नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपने लाइफ डिजाइनर जीतो अजय। 16 नवंबर थर्सडे यानी गुरुवार का दिन है और आपके राशिफल के साथ हम हाजिर है जिनका आज के दिन बर्थडे है। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके जन्मदिन की। खूब अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। जल्दी बताएंगे वो कौन सा उपाय है जो आपने आज के दिन जरूर करना है। आज है मार्गशीर्ष संक्रांति यानी सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश और ये गोचर जो होता है ये बहुत उत्तम माना जाता है क्योंकि मंगल की राशि में सूर्य का गोचर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए हम बताएंगे कुछ खास उपाय आप जरूर कीजिएगा। अगर नौकरी में दिक्कत आ रही है और फिर पिताजी के साथ भी मतभेद हो रही है यानी दोनों तरफ से ये डिस्प्यूट लेवल जो है वो आपका बढ़ता जा रहा है तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा जो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। जल्दी बताएंगे लेकिन पहले हम बर्थडे वालों को एक छोटा सा टिप लगातार देते हैं जो आप आज भी लेकर के आए। वो आपने बड़ों का आशीर्वाद छोटों को प्यार जरूर करना है लेकिन साथ के साथ आज आपने पूजा स्थान पर धर्म स्थान पर जाकर के 5 तरह के फल जरूर चढ़ा लें। कोई भी मौसमी फल आप किसी भी तरीके के जो 5 तरह के फल है वो जरूर चढ़ा के आइएगा। इसके अलावा आप किसी जरूरतमंद अगर कोई जरूरतमंद आपसे मदद मांगे तो किसी भी जरूरतमंद की मदद जरूर कीजिएगा। कोई सहयोग मांगे जितने आपका सामर्थ्य है जो आप इजीली दे सकते हो उतना सहयोग आप जरूर कीजिए। मिठाई जरूर बांटिए, खुशी का इजहार जरूर कीजिए और बड़ों का आशीर्वाद छोटों को प्यार जरूर कीजिए। मेरी ओर से मेरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके जन्मदिन की। राशियों का हाल बताएंगे जल्दी से लेकिन पहले नौकरी में और खास करके पिताजी के साथ ये दो प्रॉब्लम्स बड़ी ज्यादा बढ़ रही है। एक तरफ से नौकरी की दिक्कत आ रही है, दूसरा घर के अंदर भी कलेश होता जा रहा है। तो आपके लिए कौन सा उपाय है जल्दी बताएंगे। पहले हाल राशियों का। पहली राशि एरीज यानी मेष राशि। भावुकता में फैसले नहीं लीजिएगा, सोच समझ करके ही फैसले लेने चाहिए। संतान आपका कहना आज के दिन नहीं मानेगी तो उसके ऊपर दबाव ना बनाए, धैर्य से काम करें वरना परेशानी हो सकती है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे। ग्रे रंग का इस्तेमाल आप 5 के दिन कर सकते हैं। वृष यानी टॉरस की बात करते हैं, अपने काम दूसरों के ऊपर ना डालें, स्वयं करें। उच्च अधिकारियों के साथ मतभेद हो सकते हैं। विवाह की बात करने के लिए समय उत्तम है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन। गोल्डन रंग का इस्तेमाल आप 5 के दिन कर सकते हैं। मिथुन यानी जेमिनी की बात करते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पिताजी के स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखने की जरूरत है। संतान पक्ष से अचानक शुभ समाचार मिल सकता है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 2। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नारंगी। नारंगी रंग का इस्तेमाल आप 5 के दिन कर सकते हैं। कर्क यानी कैंसेरियन की बात करते हैं, विरोधियों से जरा बच करके रहिएगा। हमेशा वैसे भी विरोधियों से बच करके ही रहना चाहिए, बेवजह के पंगे जो वो नहीं लेने चाहिए। काम में थोड़ा सा उत्साह कम रहेगा आज के दिन, घर की चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन। ब्राउन रंग का इस्तेमाल आप 5 के दिन कर सकते हैं। सिंह यानी लियो की बात करते हैं, नया रोजगार मिलने की संभावना है। खोई हुई वस्तु थोड़े से एफर्ट्स थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो जरूर मिल सकते हैं। संतान की जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 9। शुभ रंग रहेगा आपके लिए आसमानी। आसमानी रंग का इस्तेमाल आप 5 के दिन कर सकते हैं। वर्गो यानी कन्या की बात करते हैं, अचानक कहीं जाने का कार्यक्रम बन सकता है। पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध रखें, स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखने की जरूरत है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 4। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का इस्तेमाल आप 5 के दिन कर सकते हैं। तुला यानी लिब्रा की बात करते हैं, दुर्घटनाओं से बचाव होगा आपका। नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शारीरिक पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिलेगी। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 5। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफेद। सफेद रंग का इस्तेमाल आप 5 के दिन कर सकते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करते हैं, किसी से अपनी निजी बातें पर्सनल बातें शेयर ना करें, शत्रुओं से जरा सावधान रहें, यात्रा आज के दिन टाल दें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला। नीले रंग का इस्तेमाल आप 5 के दिन कर सकते हैं। धनु यानी सेजिटेरियस की बात करते हैं, काम में आ रही अड़चनें आपकी दूर होगी। नया काम भी मिलने वाला है लेकिन साथ के साथ कुछ नौकरी वालों के लिए प्रमोशन के योग बन रहे हैं। व्यापार में भी वृद्धि के योग हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 9। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का इस्तेमाल आप 5 के दिन कर सकते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, उच्च अधिकारियों के साथ बिल्कुल ना उलझें, धन निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
दूसरों के नुकसान का विचार जो है अपने दिमाग में बिल्कुल ना लाए। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा एक, शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुनी। जामुनी रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस की बात करते हैं, पुराने मित्रों से अचानक आपको कोई बेनिफिट, कोई लाभ हो सकता है। धन का लेन देन चाहे तो कर सकते हैं। शिक्षा में सफलता के योग है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा दो, शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला। पीले रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसियन। अधिक क्रोध आपका नुकसान कर सकता है। स्थान परिवर्तन के पूरे पूरे योग है। काम पूरा करवाने के चक्कर में झूठ का सहारा ना लें। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा सात, शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम। क्रीम रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। तो ये तो राशियों का हाल था। अब समस्या ऐसी कि जो खास करके नौकरी पे बार, भाई नौकरी पे ही बार आ जाएगा तो आप घर कैसे चलाएंगे, आप खुशियों का ध्यान कैसे रखेंगे। तो नौकरी पे किसी भी तरीके की आंच ना आए, प्लस घर का एटमॉस्फेयर हमेशा अच्छा होना चाहिए। पिताजी के साथ वाद विवाद, और पिताजी के साथ वाद विवाद का मतलब है घर में कलेश। तो ये दोनों चीजें आपकी संभल जाए, सुलझ जाए तो क्या उपाय करें। 16 दिसंबर तक लगातार आपने इस उपाय को करना है कॉन्टिन्यूस, लेकिन इसमें सैटरडे आपने छोड़ देना है। सूर्य को जल दीजिए, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल करके सूर्य को जल देना शुरू करिए। सैटरडे छोड़ दीजिएगा, बाकी ऑल डेज कीजिएगा 16 दिसंबर तक। जो अड़चने हैं नौकरी की वो भी दूर हो जाएंगी, जो पिताजी के साथ जो मतभेद हो रहे हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, भरे आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। हर सुबह 6 बजे हम राशिफल के साथ हाजिर होते हैं। कल सुबह 6 बजे फिर से आप ही के राशिफल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता।